जय गुरुदेव। हे परम पिता परमात्मा, जय गुरुदेव जी, दया करें। पूज्य स्वामी जी जीवों के कल्याण हेतु इतना अधिक परिश्रम करते हैं कि देखकर आश्चर्य होता है। दिन भर तो दौड़ते ही रहते हैं, रात्रि में भी सरकार को मैंने कभी नींद में सोते नहीं देखा है। सत्संग 3-3 घंटे लगातार प्रतिदिन ही करते हैं, परंतु गत 10 वर्षों में एक दिन भी तनिक जल पीते अथवा किसी प्रकार से आराम करते नहीं देखा। सरकार के सत्संग में लाखों पुरुष औरतें बैठते हैं, परंतु इतनी शांति रहती है कि दुनिया में कहीं भी वैसी स्थिति नहीं दिखती। जब खेत में काम करने लगते हैं तो पता ही नहीं चलता कि सरकार महात्मा है, ऐसा लगता है कि पक्के गृहस्थ हैं। स्वामी जी स्वयं इतना कम भोजन करते हैं कि सरकार के भोजन का चौगुना हम साधारण आदमी नाश्ता कर जाते हैं। अन्य किसी प्रकार का जूस या टॉनिक भी नहीं लेते, बस भीगा चना या बेसन के पपड़े का सेवन करते हैं। साल भर में आपका केवल 3 मन गेहूँ का खर्च है और हम सत्संगियों के लिए 1000-1000 मन गेहूँ प्रति वर्ष पैदा करते हैं। कपड़े केवल 1 कच्छा तथा धोती पहनते हैं। हम जीवों के कल्याण के लिए सरकार ऐसे ऐसे बिहड़ जंगलों पहाड़ियों तथा ग्रामों में जाकर दर्शन देते हैं, सत्संग करते हैं, दुखों को दूर करते हैं कि देखकर महान आश्चर्य होता है। इतनी मेहनत संभवतः जीवात्माओं के लिए सरकार के सिवा अन्य किसी ने आज तक नहीं किया है। हम महापात की पामर जीव सरकार के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार सरकार ने हमसे प्यार किया, उस प्यार को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखेंगे। सरकार नित्य परिश्रम करते हैं, उसका छोटा सा अंश भी हमसे होना असंभव है। हम में न तो शरीर बल है, न धन बल है और न ही तो मनोबल है। हमारी रक्षा करना अब तो सरकार के हाथ में ही है। हम आपको पुकार रहे हैं, इस जन्म में यदि हम छूट गए तो ये मेरा दोष नहीं होगा। हे दयालु, जरा मेरी ओर देखें, मुझे अपना प्यार दें। मैं विलग होकर तड़प रहा हूँ, मुझसे कौन सी गलती हुई कि आप उधर देख रहे हैं। हे प्राणाधार, मेरी आँखों में देखिए। जय गुरुदेव।